नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद जो बिहार की राजनीति है वो गर्म हो गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों को और सांसदों को पटना रहने का निर्देश दिया है, यानी कि सभी जो विधायक और सांसद हैं उनके 2 दिनों तक पटना में रहेंगे। एक बार फिर से बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनने वाली है, यानी कि एनडीए में टूट होने वाला है। बीजेपी और जेडीयू अलग हो जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह सख्त निर्देश अपने विधायकों और सांसदों को दिया है। इसके साथ ही साथ आरजेडी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चल रही है। उन्होंने भी अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है और जो बिहार की राजनीति है वो गर्म हो गई है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 11 तारीख से पहले बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। इसको लेकर जो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से बात की है, टेलीफोनिक बात हुआ है और बिहार की राजनीति को लेकर चर्चा भी हुआ है। ऐसा सूत्र कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का कहना है कि अगर कोई भी विषम परिस्थिति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने आती है तो उनकी पार्टी कांग्रेस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ देगी। बिहार में एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी गठबंधन टूट सकता है। खबर है कि 11 अगस्त तक दोनों अलग हो सकते हैं और राज्य में एक बार फिर से जेडीयू और आरजेडी की सरकार बन सकती है। सूत्र यह बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। हालांकि सरकार के भविष्य को लेकर जेडीयू नेताओं ने कोई आधिकारिक बात नहीं की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में झंझारपुर के जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा कि बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है, ये टर्निंग पॉइंट है। हम लोगों के पहुंचने से पहले ही वहां कुछ भी हो सकता है। हमारे नेता नीतीश कुमार है और वो जो फैसला लेंगे वो मान्य होगा। इस बयान को लेकर बिहार में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें आरजेडी के विधायकों की संख्या 79 है, वही बीजेपी के 77, जेडीयू को 45 अवे विधायक है, कांग्रेस के पास 19, लेफ्ट के पास 16, हम के पास 4 और निर्दलीय विधायक 1 है। आरसीपी सिंह ने जब से जेडीयू को लेकर यानी कि नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया है तब से लगातार कयासों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आरसीपी दिल्ली चले गए तो पटना में ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के आंख और कान बन गए हैं। ऐसे में जब यूपी चुनाव आया तो उस समय आरसीपी सिंह को बीजेपी से गठबंधन करने की जिम्मेवारी दी गई तो आरसीपी सिंह असफल हो गए। इसका असर नीतीश कुमार पर काफी पड़ा। जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू की राय अलग, आरसीपी सिंह बीजेपी की भाषा बोलने लगे थे। ऐसे में आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को खटकने लगे और आरसीपी सिंह ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अब जो बिहार की राजनीति है उसमें भूचाल सा आ गया है। बिहार की राजनीति में सोमवार और मंगलवार का दिन बेहद ही अहम माना जा रहा है। प्रदेश की 4 प्रमुख दलें अगले कुछ दिनों तक अंदर पार्टी की बैठक करने वाली है। एक तरफ जहां जदयू के अंदर अंतर्कलह के बाद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के ऊपर पार्टी ने प्रहार किया तो आरसीपी सिंह इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उसके बाद जो विधायकों का पटना आने का सिलसिला है वो जारी हो गया है। बताते चले कि 12 अगस्त के बाद खरवास प्रवेश कर जाएगा। उधर जदयू और राजद ने बैठक बुलाई है तो कयासों के बीच तो सियासी पंडित भी इस बात को सोच रहे हैं कि आखिर प्रदेश की सियासत किस ओर करवट ले सकती है। तो बिहार की राजनीति में अगले 2 दिनों तक कुछ भी संभव हो सकता है। आपको बता दें कि आरजेडी और जेडीयू के विधायक पटना पहुंचने लगे हैं और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त निर्देश दिया है कि जो भी विधायक और सांसद है वो पटना में ही रहेंगे। जब से आरसीपी सिंह ने इस्तीफे का ऐलान किया है तब से बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। वहीं तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव भी लगातार अपने विधायकों के साथ बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले 2 दिनों में बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। लाइव बिहार।
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।